हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीच रेट के बारे में। जैसे कि हम स्पीच रेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सिस्टम सेटिंग पर जाना है। सिस्टम सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक्सेसिबिलिटी पर जाना है और आपको इधर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीच रेट। तो स्पीच रेट हमारा आ गया, हम इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इंक्रीज़ कर दिया है और यहाँ पर प्ले सिंपल करेंगे तो आपका वो यूज़ हो जाएगा। मुझे नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है इसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि हम अपने फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर जाना है और अपना जो भी लॉक है उसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी फिंगरप्रिंट ऐड है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखिए ऐड, अगर ऐड भी है तो भी ऐड कर सकते हैं अपनी दूसरी फिंगर को। ऐड फिंगर पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपनी, ये मेरी फिंगर ऐड है तो मैं सेकेंड फिंगर को ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए ओके करेंगे और सेकेंड फिंगर को ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करना होगा और आपकी ये ऐड हो जाएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी ऐड हो गई है। तो मिलते हैं ना एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।